यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर एनएच 91 पर कार और ऑटो की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। ऑटो सवार की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, साथ ही 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हायर सेंटर उन्हें रेफर कर दिया गया है, तो गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर भी उन्हें रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है और पूरे मामले की जाँच पुलिस की ओर से की जा रही है। सिकंदराबाद एनएच 91 के बिलसूरी गांव के पास का यह हादसा है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एनएच 91 के बिलसूरी गांव के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। कार और ऑटो के बीच में यह जोरदार भिड़ंत हुई, जिसके चलते ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो ऑटो सवार जो था उसकी मौके पर मौत हो गई और 5 लोग घायल इसमें बता रहे हैं, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए त्रिलोक चंद हमारे संवाददाता बुलंदशहर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। त्रिलोक चंद, इस हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? ये सुबह कल रात को देर रात ये दोनों वाहन आमने सामने से टकरा गए। बिलसूरी थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद की घटना है और इसमें एक सवारी जो उसमें बैठी थी थ्री व्हीलर में, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि उसे सबको काट के निकालना पड़ा वहां से। जी जी, अब जो घायलों की स्थिति है वो कैसी है, कितनी गंभीर घायलों की स्थिति बताई जा रही है? इसमें 3 लोग ज्यादा गंभीर हालत में हैं और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। शायद हो सकता है कि उनमें भी एक आधे की मौत हो सकती है, जिससे उनकी हालत थी जिसे काट के उसे निकाला गया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो ज्यादा सीरियस है, डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। यही कारण है कि वो आगे आगे जो भी बात है वो आगे अपडेट आपको मिलती रहेगी। जी बिल्कुल त्रिलोकचंद, जो ऑटो चालक था जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है? परिजन है, परिजनों ने अभी डिमांड की है, बाकी उनके एसडीएम साहब मौके पर थे वहाँ, उनसे डिमांड हुई है परिजनों ने और उसके लिए मुआवजे के लिए वो लोग वहाँ लोगों से बात हुई है उनकी और एसडीएम साहब ने उन्हें भरोसा भी दिलाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोकचंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो 3 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, हायर सेंटर उन्हें रेफर कर दिया गया है और ये बड़ा हादसा एनएच 91 पर देखने को मिला।